अगर आप ऐसी किसी जगह से लाइव स्ट्रीमिंग करते हो जहाँ पर पुअर नेटवर्क एरिया है या फिर रिमोट एरिया है जहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर तरीके से नहीं मिल रहा है, तो ये डिवाइस आपके बहुत काम आने वाली है। ये है माइंड मीडिया Q8 5G एनकोडर। इसमें आपको बॉन्डिंग की सुविधा भी मिल जाती है, काफी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, इससे आप डायरेक्ट मल्टी प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो। माइंड मीडिया की ये डिवाइस इस तरह की शानदार पैकिंग में देखने को मिलती है। यहाँ पर माइंड मीडिया की ब्रांडिंग दी गई है, माइंड मीडिया वीडियो एनकोडर, प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पर मिल जाती है। ये एक 5G वीडियो एनकोडर है। तो बॉक्स के अंदर हमें ये सारा कंटेंट देखने को मिलता है। इसके साथ हमें इस तरह का एक कैरी केस दिया गया है जिसमें आप डिवाइस को रखकर आसानी से कैरी कर सकते हो। कैरी केस की क्वालिटी भी काफी बढ़िया है। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक 12 वोल्ट 3 एम्पियर का एक पावर एडाप्टर दिया गया है जिससे आप इस डिवाइस को पावर दे सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर हमें 3 एंटीना दिए गए हैं। डिवाइस को आप अपने कैमरे के ऊपर भी माउंट कर सकते हो, उसके लिए यहाँ पर इस तरह का एक मेटल का एडाप्टर दिया गया है। एक सिम इजेक्टर पिन यहाँ पर दी गई है, एक SDI to SDI केबल इसके साथ दी गई है और दूसरी HDMI to HDMI केबल भी इसके साथ मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक QC कार्ड दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर हमें इस तरह का एक डिवाइस का कवर भी दिया गया है जिससे आपकी डिवाइस इसके अंदर पूरी तरह से सेफ रहेगी। इसके अंदर आपको इस तरह का स्ट्रैप भी दिया गया है। और ये है हमारी मेन डिवाइस माइंड मीडिया Q8 वीडियो एनकोडर। ये एक 5G वीडियो एनकोडर है। तो डिवाइस की क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी की बात करें, फिनिशिंग की बात करें, तो काफी बेहतरीन क्वालिटी की यहाँ पर आपको डिवाइस देखने मिल जाती है। काफी लाइट वेट है, आप देख सकते हैं मेरे हाथ पे आराम से ये आ रहा है। यहाँ पर माइंड मीडिया की ब्रांडिंग दी गई है। फ्रंट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर एक फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है जिससे आप इस डिवाइस को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो और अपने कैमरे का प्रीव्यू यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको इसके सारे कंट्रोल बटन देखने को मिल जाते हैं। पावर ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर दिया गया है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है, यहाँ पर एक लॉक का बटन दिया गया है, स्ट्रीमिंग स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपको दो इंडिकेशन देखने को मिल जाते हैं, एक SDI इंडिकेटर है, एक HDMI इंडिकेटर है, यानी इसमें आप SDI और HDMI दोनों तरह से आप अपने कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो और SDI और HDMI को स्विच करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है। इसके अलावा नीचे की साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 सिम कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाती हैं। ये है 5G सिम कार्ड स्लॉट, इसमें आप अपना 5G सिम लगा सकते हो। इसके अलावा 2 सिम आपके यहाँ पर लग जाएंगे, 4G सिम इसके अंदर लग जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक SD कार्ड स्लॉट दी गई है जिसमें आपको कोई रिकॉर्डिंग वगैरह करना हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो फ्रंट साइड में आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं, पावर का इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है, रिकॉर्डिंग का इंडिकेटर यहाँ दिया गया है, लॉक का इंडिकेटर है और ये लाइव स्ट्रीमिंग का इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा डिवाइस के इस साइड आप देखो, एक पावर का पोर्ट दिया गया है, एक लेन का पोर्ट दिया गया है, इथरनेट पोर्ट दिया गया है जिससे आप इसे अपने नेटवर्क से भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर एक USB पोर्ट दिया गया है, इसमें आप अपनी USB सिम डोंगल लगा सकते हो। यानी इस डिवाइस में आप 4 सिम लगा सकते हो। एक सिम आपका यहाँ पर लग जाएगा, आपके 3 सिम यहाँ पर फ्रंट साइड में लग जाएंगे, एक 5G और 2 4G यहाँ लग जाएंगे और एक 4G सिम यहाँ पर लग जाएगा USB डोंगल में। इसके अलावा इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई की सुविधा भी दी गई है, आप अपने वाईफाई के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हो और इसमें बॉन्डिंग की सुविधा भी मिल जाती है, यानी एक साथ आप 6 नेटवर्क को यहाँ पर बॉन्ड कर सकते हो। और डिवाइस में ऊपर की साइड यहाँ पर एंटीना इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। इसके साथ 3 एंटीना हमें दिए गए, एक साइड आप देख रहे हो यहाँ पर आपको SDI इनपुट पोर्ट दिया गया है, HDMI इनपुट पोर्ट दिया गया है, आप चाहो HDMI पोर्ट के थ्रू अपने कैमरे को कनेक्ट कर सकते हो, चाहो तो SDI के थ्रू भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑडियो इनपुट और ऑडियो आउटपुट का पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर आप अपना ऑडियो इनपुट यानी माइक कनेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना हेडफोन कनेक्ट कर सकते हो। डिवाइस के नीचे की साइड आपको इसकी सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर एक बिल्ट इन कूलिंग फैन भी दिया गया है, ट्राइपॉड पर या कैमरे के ऊपर माउंट करने का ऑप्शन ही मिल जाता है। डिवाइस के साथ 3 एंटीना दिए गए हैं, इन एंटीना को हमें यहाँ पर इंस्टॉल करने ना, एंटीना को इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। इस तरह से आपको यहाँ पर लगा के आपको टाइट कर देना है। बस पहली वाली स्लॉट है, इसके अंदर मैं अपना 5G सिम लगा दूंगा। ये हमारा 5G सिम यहाँ पर लग गया। तीसरा सिम हमारा इसके अंदर
लग जाएगा। तो माइक्रो एसडी कार्ड इसके अंदर लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर दिया है, अपने कैमरे के ऊपर माउंट कर दिया। डिवाइस के अंदर बिल्ट इन बैटरी दी गई है, तो आपको फिलहाल पावर अडेप्टर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। डिवाइस को ऑन करने के लिए यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है, इसे कुछ सेकंड तक दबा के होल्ड करके रखना है, डिवाइस हमारी ऑन हो जाएगी। यहाँ पर एक ब्लू कलर का एलईडी इंडिकेटर आ रहा है, डिवाइस हमारी ऑन हो रही है। माइंड मीडिया की बैंडिंग आपको देखने को मिलेगी, जो हमारे कैमरे की फुटेज है वो डायरेक्ट यहाँ पर आ रही है। ये देखिए, फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले यहाँ पर देखने को मिल जाता है, और डिस्प्ले के ऊपर आप यहाँ पर देख रहे हो सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। यहाँ पर ऑडियो बार आ रहा है, जो हमारा कैमरे का ऑडियो है उसका लेफ्ट राइट दोनों चैनल यहाँ पर आपके शो हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर नीचे आप देख रहे हो स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आ रहा है, यानी जब आप लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे होगे तो इसमें आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगा सकते हो। इसमें आप हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी और गुजराती भाषाओं में यहाँ पर आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट लगा सकते हो। जो भी सिम कार्ड आपने इसमें लगा रखे होंगे वो नेटवर्क सिग्नल यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर ऊपर आपको चार एलईडी इंडिकेटर देखने को मिल रहा है, ये आपकी लाइव स्ट्रीमिंग का इंडिकेटर है। जब आपकी लाइव स्ट्रीमिंग चल रही होगी तो ये इंडिकेटर लगातार ब्लिंक करेगा। यहाँ पर एक सेटिंग का बटन दिया गया है, सेटिंग के बटन पर क्लिक करके यहाँ से आप इसकी सारी सेटिंग्स वगैरह देख सकते हो। उसके अलावा नेटवर्क का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से नेटवर्क पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपने सारे नेटवर्क वगैरह देख सकते हो। मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपके मोबाइल नेटवर्क दिख जाएंगे। ये लेन का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से लेन को सेट कर सकते हो। ये वाईफाई का आ रहा है, यहाँ से हम वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं। इस डिवाइस से आप मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीमिंग का ऑप्शन भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। माइंड मीडिया के इस एनकोडर को आप अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप से भी कंट्रोल कर सकते हो, इसकी लाइव स्ट्रीमिंग को भी कंट्रोल कर सकते हो। इसका एक ऐप आता है एम लाइव ऐप, तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन पर एम लाइव ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। जब आप इस डिवाइस को परचेज करोगे तो आपको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा, जिससे आप इस डिवाइस में लॉगिन कर सकते हो। तो मैं यहाँ लॉगिन पर क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हो, जैसे ही आप एम लाइव ऐप को यहाँ पर लॉगिन करोगे, आपकी डिवाइस की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई देने लगेगी। माइन Q8S यहाँ पर ऑनलाइन शो हो रहा है, यानी हमने अपनी डिवाइस को ऑन कर रखा है, तो ये अपने आप ही ऑनलाइन यहाँ पर शो होने लगेगा। इस पर क्लिक करो तो यहाँ पर आपको इसकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। सबसे पहले आप देख रहे हो पुश फ्लो का ऑप्शन आ रहा है, डिवाइस इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ओएसडी सेट आ रहा है, मोर का ऑप्शन आ रहा है। अब डिवाइस इन्फॉर्मेशन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपकी डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई देने लगेगी। इनपुट सोर्स पर आपने क्या कनेक्ट कर रखा है, HDMI के थ्रू हमने कनेक्ट कर रखा है तो HDMI शो हो रहा है। लाइव स्ट्रीमिंग का सेटअप आपने क्या कर रखा है, SD कार्ड में आपका कितना स्टोरेज है वो शो हो रहा है। वीडियो स्टेटस आपका क्या है, वीडियो की रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही है वो यहाँ शो हो जाएगा। बैटरी स्टेटस आपका शो हो जाएगा, सारी डिटेल आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी आपकी डिवाइस इन्फॉर्मेशन के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर एक OSD सेट का ऑप्शन आ रहा है, OSD सेट के अंदर आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट वगैरह सब कुछ लगा सकते हो। तो यहाँ पर आपको ग्राफिक्स शो हो जाएंगे, जैसे ये आप देख रहे हो एक इमेज हमने यहाँ पर लगा रखी है, लोगो यहाँ पर लगा रखा है। तो इसके अंदर आप 3 इमेजेस एक साथ लगा सकते हो, जैसे पिक्चर लेयर 1, पिक्चर लेयर 2, पिक्चर लेयर 3। आप कोई भी फ़ोटो, कोई भी लोगो आपको लगाना हो तो वो आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट फ़ोटो पर क्लिक करके आप अपने फ़ोटो कोई भी जो लगाना हो वो आप यहां से ही लगा दोगे, जैसे मैंने यहां पर पहले से लगा रखा। इसी तरह से यहां पर पिक्चर लेयर 1 का ऑप्शन आ रहा है, इसे जब मैं यहां से ऑन कर दूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा दूसरा लोगो शो होने लगा, और यहाँ से मैं ऑफ़ कर दूंगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा। ये वाला जो है पिक्चर लेयर 2, इसे मैं यहाँ से ऑफ़ कर दूंगा तो ये ऑफ़ हो जाएगा, यहाँ ऑन करूँगा तो ये शो होने लगेगा। और यहाँ से आप इसके साइज को कम ज़्यादा करना हो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। तो ग्राफिक्स के बाद यहाँ पर एक टेक्सचर का ऑप्शन आ रहा है, टेक्सचर पर क्लिक करो तो इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हो। कोई भी स्क्रॉलिंग टेक्स्ट आपको लिखनी हो वो आप इसके अंदर कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है इसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती किसी भी लैंग्वेज में आप यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकते हो। ये मैंने गुजराती में यहाँ पर लिख रखा है टेक्स्ट लेयर 1, और टेक्स्ट लेयर 2 में मैंने यहाँ पर पंजाबी में लिख रखा है। फॉन्ट का साइज आपको कम ज़्यादा करना हो वो कर सकते हो। फॉन्ट कलर यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, और रोलिंग स्पीड, स्क्रॉलिंग रोलिंग स्पीड को हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, लो रखना है, मीडियम रखना है, हाई रखना है। इसके अलावा बैकग्राउंड कलर आपको क्या रखना है वो भी आप यहाँ सेट कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी आप यहाँ सेट कर सकते हो, विड्थ यहाँ पर सेट कर सकते हो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पर सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हमारी 2 स्क्रॉलिंग टेक्स्ट दिखाई दे रही हैं, मान लो फर्स्ट लेयर को मैं ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ से मैं इसे हाइड कर सकता हूँ, यहाँ से फिर से चालू कर सकता हूँ। नीचे वाली को बंद करना हो तो नीचे वाली को इस तरह से हाइड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप स्क्रॉलिंग टेक्स्ट की सेटिंग्स वगैरह कर सकते हो। सेटिंग करने के बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना, तो आपकी सेटिंग यहाँ पर सेव हो जाएगी। इसे बैक कर देते हैं,
उसके बाद यहाँ पर एक मोर का ऑप्शन आ रहा है, मोर पर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको सारी सेटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले यहाँ पर लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन आ रहा है, लाइव स्ट्रीम पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग की सारी सेटिंग कर सकते हो। आपको 1080p पर लाइव करना है, 720p करना है, वो यहाँ से रेजोल्यूशन सेट कर सकते हो। यहाँ से आप रिफ्रेश रेट सेट कर सकते हो, बिट रेट आपको क्या रखना है वो यहाँ से सेट कर सकते हो, FPS वैल्यू क्या सेट करनी है वो कर सकते हो, बिट रेट कंट्रोल CVR रखना है, BVR रखना है, एनकोडिंग आपको हाई रखनी है, मेन रखनी है, बेसलाइन रखना है वो सेट कर सकते हो, और एनकोडिंग टाइप आपको H.264 रखना है या H.265 रखना है वो भी यहाँ पर ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसके बाद पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मिल जाता है, आप अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो, वर्टिकल करना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ स्विच कर सकते हो। अगर आप वर्टिकल लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो पोर्ट्रेट मोड यहाँ सेलेक्ट करोगे। नेटवर्क सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, वाईफाई, स्टैटिक IP, नेटवर्क, APN, ये सब ऑप्शन मिल जाते हैं। तो अब बात आती है कि हम इस डिवाइस से लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करेंगे। तो लाइव स्ट्रीमिंग आप अपने मोबाइल फ़ोन में सारी सेटअप करने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए यहाँ पर एक पुश फ्लो का ऑप्शन आ रहा है, इसे क्लिक करोगे तो लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आप मल्टी स्ट्रीमिंग कर सकते हो, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर एक साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आप देख रहे हो, ये आ रहा है फास्ट बॉन्डिंग स्ट्रीमिंग, यानी बॉन्डिंग के साथ अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी हो तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, और अगर आप बिना बॉन्डिंग के लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए, चैनल 1 चैनल 2। तो यहाँ पर चैनल 1 पर मान लो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करनी है तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर एक RTMP का ऑप्शन आ रहा है, एक SRT का ऑप्शन आ रहा है। तो हम RTMP के थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर RTMP URL के अंदर आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग का RTMP URL यहाँ पर पेस्ट कर देना है, और यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रीम की पेस्ट कर देनी है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी अपना RTMP URL पेस्ट कर दिया है, स्ट्रीम की मैंने यहाँ पर डाल रखी है, कुछ भी नहीं करना। उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पर सेव एड्रेस पर क्लिक कर देना है, और जब भी आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट करना हो तो जैसे ही आप यहाँ से स्टार्ट पुशिंग पर क्लिक करोगे आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से सिंपल है, आप अपने ऑफिस में बैठे हुए आप अपने ऑफिस में बैठ कर भी इस डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। मान लो साइट पर आपने अपने बंदे को भेज रखा है ये डिवाइस लेके, और आप यहां से सारा कंट्रोल कर सकते हो, यहीं से लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। ये आप देख रहे हो मैंने अपने YouTube का लाइव कंट्रोल रूम यहां पर ओपन कर लिया है, और ये है हमारी डिवाइस। हमने अपनी RTMP की URL सारा कुछ इसके अंदर एंटर कर दिया है अपने मोबाइल फ़ोन से। हम चाहें अपने मोबाइल फ़ोन से भी लाइव स्ट्रीमिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको लाइव स्ट्रीमिंग करने का एक बटन दिया गया है, इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करोगे तो आपकी लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये आप देख सकते हो, अब यहाँ पर आ रहा है स्टार्ट स्ट्रीमिंग, इस प्ले पर हम स्टार्ट स्ट्रीमिंग क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आ रहा है आर यू श्योर टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग ऑफ स्पीड चैनल 1, तो हम इसे कर देते हैं यस। अब आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पर स्टॉप स्ट्रीमिंग लिख के आने लगा, यानी हमारी स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो चुकी है, और जो स्ट्रीमिंग वाला इंडिकेटर था ये यहाँ पर कंटिन्यूस ब्लिंक कर रहा है। और YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर आप देखोगे कुछ ही सेकेंड बाद हमारे कैमरे की फुटेज यहाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी, या डिवाइस का जो फुटेज है वो हमारे YouTube के लाइव कंट्रोल रूम पर आना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर स्क्रॉलिंग टेक्स्ट भी हमारी आ रही है, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी में यहाँ पर आपको रिसीव हो रहा है पूरा डेटा, यहाँ से हमारी लाइव स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर इसे आप बैक भी कर सकते हो, बैक करके आराम से यहाँ पर आप देख सकते हो जो भी हमारी फुटेज चल रही है वो हमारे यूट्यूब के लाइव कंट्रोल रूम पर भी ये फुटेज हमारी चल रही है। तो यहाँ पर इसे सेटअप करना काफ़ी आसान है। ये सारा सेटअप करने के बाद अब अपने किसी भी बंदे को साइट पर भेज सकते हो, भैया कैमरा और ये डिवाइस तरह से कनेक्ट करके उसे दे दो, और जैसे ही वो डिवाइस को ऑन करेगा लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी, और उसे आप अपने मोबाइल फ़ोन से अपने ऑफिस में बैठकर जहां कहीं भी आप बैठे हो वहां से आप आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। तो जब भी आपको अपनी लाइव स्ट्रीमिंग को ऑफ करना हो इस बटन को कुछ सेकंड के लिए प्रेस करोगे, और यहां पर स्टॉप स्ट्रीमिंग का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक कर दो, यस पर क्लिक कर दो, लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ हो गई है। यानी आप देख सकते हैं ये जो हमारा इंडिकेटर है ये ब्लिंक करना बंद कर चुका है, लाइव स्ट्रीमिंग हमारी स्टॉप हो गई है। दोस्तों मैं इसे लेके आ गया हूँ बाहर पार्क में, और यहाँ पर मैं लाइव स्ट्रीमिंग को टेस्ट कर रहा हूँ। तो आप देख रहे हो लाइव स्ट्रीमिंग हमारी प्रॉपर यहाँ पर चल रही है, ग्रीन कलर का इंडिकेटर यहाँ पर आ रहा है। ये डिवाइस 5G को सपोर्ट करती है, हमारा पहला सिम 5G सिम है, और यहाँ पर डिस्प्ले पर आप देख सकते हो 5G सिग्नल आ रहे हैं, और लाइव स्ट्रीमिंग हमारी प्रॉपर तरीके से चल रही है। काफ़ी कॉम्पैक्ट है, लाइट वेट है, और आराम से आप इसे इस तरह से लेके कहीं भी घूम सकते हो। तो दोस्तों माइंड मीडिया का ये बॉन्डिंग एनकोडर मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, बेहतरीन क्वालिटी है, 5G को ये सपोर्ट करता है,
और ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर नेटवर्क प्रॉपर नहीं आता है, रिमोट एरिया से भी आप प्रॉपर लाइव स्ट्रीमिंग कर पाओगे। इसमें आपको बॉन्डिंग की सुविधा मिल जाती है, यानी 6 नेटवर्क को एक साथ ये डिवाइस बॉन्ड कर देती है, जिससे आपको एक प्रॉपर इंटरनेट स्पीड मिल जाती है, जिससे कि आप काफ़ी अच्छी स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग कर पाते हो। इसके अलावा इसमें स्क्रॉलिंग टैक्स अलग अलग भाषाओं में लगा सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, गुजराती। इसके अलावा लोगो लगा सकते हो, ओवरले लगा सकते हो, और भी बहुत सारी सुविधाएं इसके अंदर मिल जाती हैं। आप मल्टी प्लेटफॉर्म पर भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। डिवाइस की कीमत है केवल 1,44,999 रुपीज़। कहाँ से आपको इसे परचेज करना है वो सारी डिटेल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी जानकारी पा सकते हो। बॉन्डिंग की क्या क्या चार्जेज होंगे वो सब कुछ डिटेल आपको वहाँ से मिल जाएगी। आपको माइंड मीडिया की डिवाइस कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।